मैम जो एक्सरसाइज 2 है वो आप रिपीट कर देंगी? ये सही समझ नहीं आया। एक्सरसाइज 2 में आपने यहाँ से जो रेंज पॉइंट है कि कहाँ से कहाँ तक की रेंज को आपने क्या ग्रे इंटेंसिटी देनी है वो आपने खुद एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ग्राफ में आपको 0 से 1 की इंटेंसिटी गिवन है, तो आपने ये जो पॉइंट है तकरीबन मिड में है, सो ये पॉइंट आपका बनेगा 0.5। देन ये 0 एंड 0.5 के मिड का पॉइंट है तो ये बनेगा आपका 0.25। तो आपने लिखना है कि 0 से 0.25 तक आपकी इंटेंसिटी 0 है, 0.25 से 0.5 तक आपकी इंटेंसिटी 1 है, एंड देन 0.5 से ग्रेटर जो भी वैल्यू है और 1 से लेस उसमें आपका ये फंक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि ये लाइन का ग्राफ या ट्रांसफॉर्मेशन बनी हुई है। तो आपने यहाँ पे लाइन की इक्वेशन यूज़ करनी है और आपने उसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू आती है। आपने स्लोप फाइंड करना होगा, देन आप ऑफ कोर्स एक्स की वैल्यूज गिवन है तो आप एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, एक पॉइंट ये बनता है और एक पॉइंट ये बनता है। तो आप उन 2 पॉइंट्स के साथ स्लोप कैलकुलेट करेंगे, एंड देन स्लोप एंड एक्स पॉइंट्स के थ्रू आप उसका वाई इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। देन वो जो इक्वेशन आएगी आपने उसको इस रेंज के अगेंस्ट जो है वो पुट करना होगा और आपके पास जो है वो ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। सो इस तरह का कुछ फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फर्स्ट की रेंज यही है, सेकंड की रेंज भी यही है, थर्ड की रेंज में आपने यहाँ पे जो एक्स है इसकी फंक्शन कैलकुलेट करना होगा कि क्या फंक्शन या क्या इक्वेशन लाइन की बनती है। इसके बाद आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं जिसमें हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई करना है एंड कंट्रास्ट टचिंग अप्लाई करनी है। दोनों का मेथड जो है वो लेक्चर में एक्सप्लेन हुआ हुआ है कि ओवरऑल कैसे काम करते हैं। कंट्रास्ट टचिंग का फंक्शन भी गिवन है लेकिन आप उसको फॉर्मूला के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे। हिस्टोग्राम आप मैनुअली भी एल्गोरिदम लैब जनरल में गिवन है, आप मैनुअली भी कर सकते हो और उसका फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्ट इन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैनुअली कैसे उसे कोडिंग करनी है, ठीक है। ओके मैम।